दरअसल आज का मुद्दा बेहद अहम है, और अहम इसलिए क्योंकि जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। और केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है कि जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या बेहद बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए। और हकीकत भी है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है, वो एक बड़े खतरे की तरफ संकेत देती है। और मंत्री गिरिराज का क्या कहना है, ये आपको सुनवाएंगे। दरअसल उन्होंने कहा है कि जनसंख्या खतरा तो है ही, लेकिन कैंसर की सेकेंड स्टेज भी है, यानी इसका जो ताल्लुकात है सीधे तौर पर खतरे को उन्होंने इंडिकेट करते हुए कहा कि कैंसर की तरह है और सेकेंड स्टेज है कैंसर की और इसको रोका जाना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री के इस बयान में लोगों की क्या राय है, कितना इत्तफाक है, ये आपको सुनवाएंगे। शुरू की है संगोष्ठी जनसंख्या नियंत्रण। 2008 से मैं इस विषय को बिहार से रखने का काम किया। जब भी मैं इस विषय को उठाता, लोग इसे धर्म पर उठा के ले जाते। जब मैं दिल्ली आया सांसद बन करके, तो मेरे मित्रवर जितने मीडिया के थे, उन्होंने कहा कि गिरिराज जी, जब आप बोलिएगा दिल्ली में, हम लोगों को बता दीजिएगा। हम कि क्या बता दें, मैं तो 2008 से बोल रहा हूं, और ये आज की तारीख में भारत के लिए नाशूर बन गया है। ये सेकेंड स्टेज का कैंसर है। अगर आज का युवा यंग लीडर इस पर नहीं बोला, मोदी जी के सहारे केवल छोड़ दिया, तो ये कैंसर फोर्थ स्टेज का हो जाएगा, फिर लाइलाज हो जाएगा। तो गिरिराज कह रहे हैं कि ये सेकेंड स्टेज का कैंसर है, जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अगर इसका उपचार नहीं हुआ, यानी कि इस पर कोई कानून नहीं बना, तो ये कैंसर की तरह बीमारी फैल रही है और चौथे स्टेज तक पहुंच जाएगी, जिसका कोई इलाज नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर घटते जा रहे हैं, जो सुविधाएं हैं वो घटती जा रही हैं, तो वो एक बड़ा खतरा। और सवाल क्या रहेंगे, आपको बताते हैं। आज का जो सवाल है, क्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सही है, इसी से जुड़ा मुद्दा। और आज का सवाल यह भी रहेगा, क्या सही में बढ़ती जनसंख्या कैंसर बीमारी की सेकेंड स्टेज है। और आज का सवाल रहेगा, क्या सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। तो यह अहम सवाल रहेगा। और क्या सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक अभियान चलाना चाहिए। तो आज का सवाल यह है कि क्या आप गिरिराज सिंह के बयान से सहमत हैं। गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है, क्या आप उससे सहमत हैं। और आज का सवाल यह, क्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सही है। तो ये आज के सवाल रहेंगे इस मुद्दे पर, बड़ा अहम मुद्दा। और क्या सही में बढ़ती जनसंख्या कैंसर बीमारी की सेकेंड स्टेज है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। तो ये बड़ा बयान है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, और वो हालांकि अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में रहते हैं, लेकिन ये जो बयान है तो कुछ जनता इत्तफाक रखती है इस बात से कि आज जो हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, हम दो हमारे दो का पहले एक नारा हुआ करता था, लेकिन लोग उसको भूल चुके हैं और बहुत तेजी से ये जनसंख्या बढ़ी है। और हकीकत तो यह है कि अगर चाइना की तुलना में हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो चाइना में पर मिनट 11 बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पर मिनट की बात करते हैं तो 33 से 35 बच्चे जन्म लेते हैं। तो जरा अंदाजा लगाइए कि किस कदर हिंदुस्तान की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और जनता क्या कुछ कहती है, ये आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मैं जनसंख्या नियंत्रण के बिल्कुल इसके साथ में हूँ। उन्होंने जो बयान दिया है, इस पे बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उसी के हिसाब से हमें संसाधनों की भी उपलब्धि भी करवानी पड़ेगी। जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जॉब्स रहेंगे नहीं आगे आगे टाइम में, फिर अनाज की समस्या उत्पन्न होएगी, जॉब की समस्या उत्पन्न होएगी, हॉस्पिटल की समस्या उत्पन्न होएगी। तो बिल्कुल डेफिनेटली इस पर बहुत कठोर कानून बनाने चाहिए। बिल्कुल सहमत है, जनसंख्या कम होनी चाहिए। जनसंख्या कम होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, बच्चों का अच्छी तरह शिक्षा होगी और अच्छे जाके बिजनेस में बढ़ेंगे जाके। बिल्कुल उनकी बात से सहमत है, इसको बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना चाहिए। जनसंख्या रुकेगी तो ही हमारे देश में पानी की बचत, पर्यावरण साफ रहेगा, भीड़ भाड़ कम रहेगी, बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, कामकाज बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सहमत हैं, और बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उससे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। बाकी जो देश आगे हैं वो इसी वजह से आगे हैं कि वहाँ पे आबादी कम है। हमारे देश में जो आबादी है उस पर हमें 101% कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश में आबादी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा खतरा बन जाएगा।
संसाधनों में भारी कमी आ जाएगी। ऐसे ही एक बार चीन के अंदर हुआ था तो चीन ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक बिल निकाला था जिसमें वो 2 से या 3 बच्चों से ज़्यादा नहीं पैदा कर सकते थे। ऐसा ही मैं मानता हूँ कि ऐसे ही कोई कानून इंडिया में निकालना चाहिए ताकि हमारे संसाधन बचे रहे और पूर्ण रूप से हर व्यक्ति को सारे संसाधन उपलब्ध हो सके। जी नहीं, इसलिए कि सेकंड स्टेज में जब कैंसर पहुंच जाता है तो लाइलाज होता है। सेकंड स्टेज में जब कैंसर पहुंच जाता है तो लाइलाज होता है। कितना हो कठोर दवा दीजिए या उसकी सेकाई कीजिए, रेडियोथेरेपी कीजिए या फिजियोथेरेपी, ये क्या कहते हैं केमोथेरेपी, वो ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए अगर सेकंड स्टेज है तो भाई ठीक होना मुश्किल है। उनसे मैं सहमत नहीं हूँ, और भी तरीके हैं इसके। तो इस पर कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हालांकि जो अश्विनी उपाध्याय हैं, बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। वो तो प्रधानमंत्री यानी पीएमओ ऑफिस में अपना प्रेजेंटेशन देने तक भी पहुंच गए थे। और यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि साल 2000 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो वेंकट चलैया यानी 11 सदस्यों का एक आयोग था, वेंकट चलैया, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी और 2 साल की बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आंकड़े जुटाए कि किस कदर जनसंख्या बढ़ जाएगी और किस कदर नुकसान होंगे हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में। इस नुकसान को लेकर के 2 साल की एक रिपोर्ट तैयार की गई और तत्कालीन सरकार को 2000 में जब वाजपेयी की सरकार थी उनको सौंपी गई। लेकिन हालात बदले, वक्त बदला, सरकार बदल गई और यूपीए की सरकार आ गई, एनडीए की सरकार चली गई, उस पर कोई अमल नहीं हुआ और धीरे धीरे ये हालात और बिगड़ते गए। 11 सदस्यों की जिस टीम ने अपनी वो रिपोर्ट सौंपी थी वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। यहाँ ये भी बता देते हैं कि करीब संविधान में अब तक आज़ादी के बाद से, अगर संविधान की बात करें जब से लागू हुआ, तो 125 बार संशोधन हो चुके हैं लेकिन एक भी संशोधन जनसंख्या की आबादी को लेकर के नहीं हुआ। बहुत से कानून बने, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी बदला गया संशोधन के जरिए, लेकिन कोई भी संशोधन ऐसा नहीं बना जो जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पा सके। को पब्लिक क्या कहती है ये एक बार आपको फिर सुनवा दें। को मैं तो पहले से ही कहता हूं और हमेशा, एक जब तक जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जनसंख्या विस्फोट ऐसे होता रहेगा जिससे हमारे देश की तरक्की रुकेगी और जिस प्रकार से हम सारे संसाधन नहीं जुटा पाएंगे जनसंख्या के हिसाब से, तो उससे देश में बड़ा बुरा हाल, एक अराजकता फैलती है उससे। तो जनसंख्या का कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए एक सख्त कानून बनना ही चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल इस पर कानून बनना चाहिए। आज एक जनसंख्या जो विकराल रूप ले रही है, तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना ही चाहूँगा आपको कि सभी को इसे, जो जितने भी हमारे देश में नागरिक हैं सभी के ऊपर वो रूल लागू होने चाहिए और सभी को जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर अपना जरूर उसको नियंत्रण के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों मेरा समाज ने बोला है, सही बोला, कम परिवार रहेगा तो सुखी रहेगा, अच्छी परवरिश होगी, सब चीज़ की सुविधा मिलेगी, फैसिलिटी मिलेंगी और जनसंख्या ज़्यादा होगी तो इसमें आबादी भी होगी और वैसे ही बेरोजगार मरी सब चीज़ फैलेगी। ये बात बिल्कुल सही बोली है उन्होंने कि जनसंख्या रुकनी चाहिए, नहीं तो देश का क्या हाल होगा, देश में प्रदूषण इतना हो जाएगा, लोग ऐसे मरेंगे, कैंसर हो के मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे लोग। बिल्कुल सहमत है उनकी बात से हम, केंद्रीय मंत्री किसी से, क्योंकि इससे देश में बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ता है, देश में इतने काम नहीं हो पाते जो, तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, सब कुछ कुछ बढ़ जाएगा, तो कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है जनसंख्या। हाँ जी, इसी सहमत है, इससे जो कंट्रोल करना चाहिए इसका, 1 से 2, 2 से 4 ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बढ़ती आबादी को लेकर इस तरह के कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये ज़रूर है कि जनसंख्या का बेलगाम होना एक समस्या है, लेकिन इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है और ज़रूरी यह है कि सरकार अपने माध्यम से समाज में शैक्षिक स्तर पर जागरूकता का विस्तार करके जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकती है। इसलिए इसे कैंसर से तुलना करना थोड़ा सा अनुचित और गलत होगा। तो साल 2000 में जब वेंकट चलैया आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, वाजपेयी सरकार को, तो उसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन करके 47A इसमें लागू किया जाए ताकि आने वाले खतरे से बचा जा सके और हिंदुस्तान की आबादी पर काबू पाया जा सके। बात यह है कि गिरिराज ने जो कहा क्या वो सही है, क्योंकि जनसंख्या लगातार हिंदुस्तान की बढ़ती जा रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि सुविधाएं नहीं मिल पाती। जिन परिवारों में बच्चे ज़्यादा हैं वो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, उनके घर में रोटी कपड़ा मकान नहीं होता और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लगातार हिंदुस्तान के अंदर ये जनसंख्या विस्फोटक तरीके से बढ़ रही है और ये कैंसर की सेकेंड स्टेज की तरह है। गिरिराज कह रहे हैं अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये चौथी स्टेज की तरह
संख्या होगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। या गौर करते हैं चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना नंबर वन पर है जनसंख्या के आधार पर और हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो चाइना से बहुत कम नहीं रह गए, क्योंकि करीब 150 के करीब वहाँ पर जनसंख्या है, और हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 125 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या, यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी 125 करोड़ के आंकड़े की अगर सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं तो वो आंकड़ा भी है जो बाहर के लोग यहाँ पर रहते हैं, रोहिंग्या की बात करते हैं, अगर टोटल को जोड़ा जाए तो करीब 150 करोड़ के करीब ये आंकड़ा पहुँच जाता है। यानी चाइना से और हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है, और अगर इस जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, उन इलाकों का विकास नहीं होता, उन घरों का विकास नहीं होता, उनको एजुकेशन नहीं मिलती, उनको सही खाना नहीं मिलता, उनको सही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। और जनता क्या कुछ कहती है इस पर एक बार फिर से आपको दिखा दें। ये एक बढ़ती हुई जनसंख्या वाकई एक हमारे कैंसर का एक रूप ले सकती है, जिसके कारण आज समाज पिछड़ चुका है, युवा बेरोजगार है, हमारे युवा साथी नशे में पड़ चुके हैं, जिसके कारण हमारी जो मेन नींव होती है, जो भारत देश की या किसी भी देश के युवाओं पर एक नींव होती है, वो खत्म होती जा रही है। उसका कारण एक बहुत बड़ा एक जनसंख्या ही है, जिसके ऊपर आज तक ना ही कोई कठोर कदम उठाया गया है और ना ही कोई ऐसी नीति लेकर आए हैं कि भी उस पर एक नियंत्रण बनाया जा सके। मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से हमारी केंद्र की सरकार से कि भी इस पर एक कठोर नीति बनाकर उसे एक अमल में लाने के लिए राज्य सरकार को प्रेरित करें। उठाना चाहिए केंद्र सरकार को भी, और मैं तो ये समझता हूँ कि जो प्रदेश सरकार है उनको भी ऐसे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से आवश्यकताएँ भी ज़्यादा बढ़ेगी और परिवार बड़ा होगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो ये सभी मुद्दों पर सभी उस पर चर्चाएँ करके एक बार सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि, और समाज के जो संस्थाएं हैं समाज की उनको भी जागरूक करना चाहिए इस बारे में, जनसंख्या के बारे में। जहां जनसंख्या जिस देश की कम है वो देश जल्दी तरक्की कर रहे हैं। 100% जरूरी है। आज जिस देश इस तरीके से समस्याओं से ग्रसित है वो सबसे बड़ी चीज़ है जनसंख्या, और जनसंख्या के आधार पर अगर ऐसा है तो आबादी को रोकने के लिए सरकार को नया कदम उठाना चाहिए। इनके बयान से हम 100% सहमत हैं, क्योंकि कैंसर का मतलब ही यही होता है कि ऐसा ग्रोथ जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो उसको कैंसर कहते हैं। और यहाँ जनसंख्या के केस में भी यही है कि लगातार जो बढ़ती जनसंख्या है इसके कारण खाद्य पदार्थ से लेकर हवा तक हर चीज़ की कमी होने वाली है। तो निश्चित तौर पर वो सारी चीज़ें जिनका ग्रोथ अगर समाज के लिए नुकसानदायक है तो कैंसर ही है। माननीय मंत्री जी के कथन से हम लोग पूर्णतः सहमत हैं। हाँ, बिल्कुल सहमत है। ये मंत्री जी का बयान हो या किसी भी व्यक्ति का हो या ना हो, लेकिन समाज, एक समाज को सही दिशा देने के लिए, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है, और इसके लिए कठोर कानून बनाना अति आवश्यक है। इसके लिए मैं पूर्णतः सहमत हूँ। नहीं नहीं, क्या ये जनसंख्या बढ़ रही है? पहले से नहीं बढ़ रही है, पहले से बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, कितने कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो विकास कैसे होगा? अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि अगर सीमित परिवार होगा तो वो भी एक तरीके की देशभक्ति, यानी उन्होंने साफ कहा था कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पर सरकारें कानून क्यों नहीं बना देती, और इसी बात को लेकर के हालांकि कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई, लेकिन अब गिरिराज कहते हैं कि ये कैंसर की तरह बढ़ रहा है। और हकीकत भी है कि अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो कैसे हालात होंगे हिंदुस्तान के, और आज हालात देख लीजिए कि किस तरह के हालात से हिंदुस्तान गुजर रहा है, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ते विकास नहीं हो पा रहा है। जो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करते हैं वो हर घर तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस पर लगाम लगानी बेहद ज़रूरी है, और सीमित परिवार होना चाहिए ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, और जनसंख्या अगर कम होगी तो देश विकास करेगा। और उन देशों पर नज़र डालिए जिनकी जनसंख्याएँ बहुत कम है, वो देश किस तरह से विकास कर रहे हैं, किस तरह से विकसित हो रहे हैं उन देशों में। लेकिन हिंदुस्तान के हालात जनसंख्या को लेकर के लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार ये जो जनसंख्या है इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इस पर कानून आना चाहिए। हालांकि चाइना का नाम सबसे ज़्यादा नाम था, लेकिन चाइना में भी इस तरह के कानून बन चुके हैं और अब वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण में है, और हिंदुस्तान में भी जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। जनता का क्या कुछ कहना, एक बार फिर से रुख करते हैं। कि जो जिस तरह की आबादी बढ़ रही है इससे आने वाले समय में देश को काफ़ी मुश्किल सामना पड़ रहा है। इसके लिए कानून इतना अधिक सख्त बनाया जा सके, बनाया जाए, आबादी पर रोक लगाया जाए।
माननीय मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है कि जिस तरह निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और एक कड़े नियम बनाकर इस पर हर व्यक्ति के ऊपर वो नियम लागू करवाना चाहिए, जिससे निरंतर जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको रोकने में सहायता मिले। जी भैया, कानून तो बनाना चाहिए और कानून अभी तक बने भी हैं, लेकिन कानून के साथ साथ हमें लगता है कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास भी करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। केवल कानून बनाने से ये रुकने वाला नहीं है हमें लगता है, और इसके लिए जो मतलब सामाजिक संस्थाएं हैं, अगर वे लोग भी जनसंख्या नियंत्रण पर पहल करें, लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर जा जाके जागरूक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सटीक बयान है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन उतना है नहीं, किसान कितना प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, केमिकल वाली चीज़ें खिलाई जाएंगी, वैक्स चढ़ाया जाएगा फ्रूट्स पे, दालें नकली बनाई जाएंगी, उससे क्या होगा, केमिकल हमारे अंदर जाएगा, कैंसर बढ़ेगा, तो जनसंख्या इक्वल टू कैंसर। तो सही कहा है, बिल्कुल क्या गलत कहा है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उस हिसाब से रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनी उतनी है, बच्चे शिक्षित होकर निकल रहे हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो वो एक तरीके से बीमारी ही बढ़ती जा रही है। जब कोई चीज़ एकदम से बढ़ जाती है तो वो बीमारी का रूप ले लेती है। तो बिल्कुल सटीक बयान है, उनका गलत नहीं है कहना कुछ भी। मैं गिरिराज सिंह के बयान से पूरी तरह असहमत हूँ और अनाप शनाप बयान देने की उनकी आदत है। आबादी को रोकना है या बढ़ती आबादी आपके सामने समस्या है तो इसकी सामाजिक चेतना को बढ़ा करके इसको आप रोक सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो भारत के सामने समस्या है, एक मानव प्रधान देश है जहां की आबादी बहुत अधिक है, और हमें नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को काम पे लगाया जा सके। तो प्रकृति का एक सीमित दायरा होता है और सिस्टम का भी एक सीमित दायरा होता है, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रकृति का दोहन होगा और सिस्टम पूरी तरह से खराब होता चला जाएगा। यही संकेत है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है, और जनसंख्या पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। सर्वे क्या कुछ कहता है, सर्वे आपको दिखाते हैं। तो क्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सही है, जनता की राय हमने जानी, तो बयान सही, 90% लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बयान है, जनसंख्या पर नियंत्रण होना जरूरी है, और बयान गलत, 10% लोगों ने कहा कि गलत है केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से कहा है। तो जनता की राय हमने जानी, क्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सही है, तो 90% लोगों ने कहा बयान पूरी तरह से सही है, और बयान गलत कहने वाले भी कुछ लोग थे जिन्होंने कहा 10% बयान गलत है। तो केंद्रीय मंत्री के इस बयान से कुछ लोग इत्तेफाक रखते हैं और कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते उनके विचारों से। और क्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सही है, तो 90% लोग मानते हैं कि पूरी तरह से सही है और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि बयान गलत है।